हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ शेयरिंग एंड केयरिंग। कैसे आप सब? तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज डिनर में जो मैं बना रही हूँ, आज डिनर में मैं चिकन काठी रोल बना रही हूँ। तो अभी उसी की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। तो जो मैं काठी रोल बनाऊंगी थोड़ा ज़्यादा हेल्दी वे में, बिकॉज मैं वो मैदा में ना बना के व्हीट फ्लोर से आटा का रोटी बनाऊंगी। तो इससे क्या है, घर में बनाने से थोड़ी हेल्दी ऑप्शन भी हो जाती है और टेस्ट भी ऑफकोर्स वैसे ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स गो इन द किचन और स्टार्ट करती हूँ मैं चिकन काठी रोल। आज डिनर की जो रेसिपी है वो आप लोग से शेयर करती हूँ। मेक द चिकन काठी रोल, तो उसके लिए आई नीड टू मैरिनेट द चिकन फर्स्ट। तो आई एम गोना, चिकन को मैंने ये धो के मैंने क्लीन करके रख लिया है हियर। अब मैं बस हाथ क्लीन करके उसमें मैं मैरिनेशन का सामान डाल के एंड आई एम गोना मैरिनेट। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या मैं डाल रही हूँ अभी चिकन में मैरिनेट करने के लिए फॉर द चिकन काठी रोल रेसिपी। बोनलेस चिकन जो मैंने लिए इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ चिकन मसाला। तो बहुत ज़्यादा मसाला यह नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस यहाँ और एक बड़ा चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करके ये मेरा मैरिनेशन रेडी हो जाएगा और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के कम से कम 40-45 मिनट्स के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी यहाँ पे। उधर चिकन मैरिनेट कर लिया है, यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी कटिंग। तो मैंने लिया है शिमला मिर्च एंड प्याज, तो इसको मैं अभी स्लाइसेस में कट करूँगी। तो चलिए अब कटिंग करती हूँ। यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को जो है पतले पतले स्लाइसेस में कट करने हैं, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने प्याज को पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन पेपर, हरा शिमला मिर्च भी मैं पूरा कट करके रख ले रही हूँ। अब दोनों जैसे ही कटिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा ये मैं बोल में सेव करके रख लूँगी ताकि जो रोल फिल होता है उसमें ये जो है प्याज और शिमला मिर्च फिल करने में काम आएगा। अब इधर मैंने गैस पे पैन चढ़ाया, जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें मैंने ऑयल ऐड किया, कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा मैंने क्यूमिन सीड जीरा डाला है। जैसे ही जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, जो सारा चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था ये अराउंड 45-50 मिनट्स मैरिनेशन मैंने रहने दिया था, अब उसे भी अच्छे से पकाना है। तो चिकन को यहाँ मैं ढक ढक के यहाँ पे पकने देना ताकि जो चिकन है अच्छे से पक जाए, हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब ढक्कन हटा के यहाँ चिकन जो थोड़ा सा पानी छोड़ दिया तो इस तरह बहुत क्विकली ये पक भी जाता है। और इस तरह से मैं इसे फिर से एक बार चला ले रही हूँ और चला के थोड़ी देर फिर से ढक दे रही हूँ। अब ढक्कन हटा के इसे, अब ऑलमोस्ट यहाँ पानी ड्राई हो चुका है चिकन का, तो इसमें जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च कटिंग करके रखे थे तो वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे भी ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मैं मैगी का हॉट एंड स्वीट टमेटो केचप ले रही हूँ। आप कोई भी टोमेटो केचप अपने फ्लेवर जो लाइक करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और थोड़ी देर इसे और कुक होने दूंगी ताकि प्याज और शिमला मिर्च जो है वो क्रंची भी रहे और थोड़ा अच्छा सा अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन में। तो यहाँ अच्छे से चिकन मेरा अब रेडी हो चुका है। इसमें अब मैं डालूंगी ढेर सारा धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स और डाल के इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो यू कैन सी ये मेरा चिकन रेडी हो गया है रैप के लिए। आप ऐसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। सो चिकन इज़ रेडी फॉर नाउ। तो चिकन रेडी हो गया, अब मैं चटनी बनाऊंगी जो सॉस इसमें ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं हरी धनिया पत्ता की चटनी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया धनिया पत्ता, खूब सारा हरी मिर्च, ढेर सारा लहसुन, थोड़ा सा जीरा पाउडर और पानी ऐड करके मेरा चटनी रेडी है। तो यहाँ पे मैं दही में जो धनिया पत्ता का चटनी है, आप पुदीना का अगर लाइक करते हैं तो मिंट चटनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा जो काठी रोल के लिए जो सॉस है वो ऑलरेडी ये मैंने रेडी करके रख लिया है यहाँ पे।
स्टार्ट मेकिंग चापातीज, रोटियां बनाना स्टार्ट करूंगी। तो इसके लिए जो है थोड़ी बड़ी साइजेस की रोटी बननी होती है, क्योंकि रोल बहुत अच्छे से हो पाता है रैप, और थोड़ी पतली और बड़े साइजेस की रोटी। तो चलिए अब रोटी का काम खत्म कर लेती हूँ मैं, एंड उसके बाद फिर रैप बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैं आटे की रोटी बना रही हूँ। आप मैदे की रोटी भी बना सकते हैं, बट टेस्ट आटे से भी बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े साइजेस की पतली पतली रोटियाँ यहाँ मैं बना के रेडी करके पहले सारी मैं रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद मैं रोल बनाऊँगी। गर्मा गर्म फुली फुली रोटियाँ, तो अभी जितना रैप बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैं रोटियाँ बना के और कैस्ट्रॉल में रख ले रही हूँ। और रोटी का काम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं वो चिकन रैप बनाऊंगी। तो लेट मी फिनिश द रोटी। बन गई है, तो अभी सबसे पहले मैं बच्चों के रैप की तैयारी करूंगी। तो ऑफकोर्स वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए, तो कोई भी मैं सॉस अभी नहीं यूज़ करूंगी, जस्ट एक रेगुलर सॉस डाल के उन लोगों के लिए बस चिकन डाल के वो रैप बनाऊंगी। इसलिए मैंने चिकन भी स्पाइसी नहीं बनाया था। एंड उसके बाद फिर बड़ों के लिए फिर रैप करूंगी। तो आई एम गोना मेक द किड्स रैप। ये मैं बच्चों के लिए रैप रेडी कर रही हूँ। तो इसमें बस मैं थोड़ा सा रेगुलर टमाटो केचप ऐड करूंगी और ऐड करके इसमें थोड़ा सा चिकन फिल कर दूंगी, ताकि बच्चों के लिए ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है और बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, तो वो भी ये रोल लाइक करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी चिकन की फिलिंग करूँगी ताकि उनके लिए बहुत हैवी ना हो। तो बस ये बच्चों का अभी डिनर रेडी हो गया यहाँ पे। बच्चों का हो गया है, दे लाइक्ड इट सो मच, बहुत अच्छा लगा उन्हें, सबका डिनर हो गया है। नौशाया भी जॉब से आए हैं, तो बस मैं उनके लिए भी रोल्स रेडी कर रही हूँ। तो लेट मी मेक हिज रैप रेडी टू ईट नाउ। यहाँ पे शौर्य के लिए मैं रोल्स रेडी कर रही हूँ। तो इसमें मैं एग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने एक एग लिया है और उसे मैं पैन पे कम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मैं रोटी के साथ रैप कर लूँगी यहाँ पे। और ये दूसरा भी एग मैं यहाँ पे फेंट के रख ले रही हूँ, ताकि उनके लिए ये दो रोल्स मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से एग के साथ इसे मैंने रोटी को सेक लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे रोल के लिए रेडी कर लिया है मैंने रोटी। अब यहाँ पे इसमें सॉसेस मैं ऐड करूँगी, तो तब तक वहाँ मैं दूसरे रोल का भी एग के साथ वो रैप करके प्रिपेयर कर ले रही हूँ। अब मैंने ये जो सॉस बनाया था वो दही और हरी चटनी के साथ वो मैं ऐड करूँगी, और इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप, अगर आप लाइक करते तो वो ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो सिंस श्योर ये लाइक करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें टोमेटो केचप एंड जो ग्रीन सॉस मैंने बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। और ये जो कटिंग जो करके रखा था मैंने, वो उसमें मैं कटिंग डाल दे रही हूँ। और कटिंग डाल के आप चिकन को जिस क्वांटिटी में आप लाइक करते हैं, थोड़ी फिलिंग अच्छी होने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं चिकन भी फिल कर दे रही हूँ। बस ये चिकन फिल करने के बाद इसे रोल बना लेना है। रोल जो है थोड़ा सा टाइट बनाना होता है, अदरवाइज रोल खुल जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैं डाल के फॉइल में और इस तरह से एक टाइट रोल रेडी कर ले रही हूँ। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये काठी रोल की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो बस यहाँ पे ये मेरा दोनों रोल रेडी हो चुका है। लेट मी शो यू ये कितना अच्छा इसका लुक भी आता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये मेरा चिकन काठी रोल रेडी हो चुका है, यू कुड सी द लुक। बस ये शौर्य का डिनर रेडी है, सो आई एम गोना गिव हिम दिस। डिनर का काम खत्म हो गया है, डिनर इज ओवर। यहाँ टिशू लगी हुई डैडा के साथ जूजू पीने के लिए। क्या चाहिए बेटा को मेरे? चाहिए। चाहिए। यामी जूजू? ने जूजू पी लिया। अब यार ये लोग नाइट टाइम, आज सिंस मैं नाइट का वीडियो बनाई हूँ, तो दोनों लगे हुए अभी ब्रश करने में, बहुत क्यूट लग रहे हैं जूजू साथ में ब्रश करते हैं। वाटर वाटर नहीं वेस्ट करते ना, चलो ब्रश योर टीथ नाउ। Brush, brush, it's time to brush your teeth. Mama likes to brush. 1, 2, 3, almost clean, you see. It's all clean. Brush, उसके बाद फिर थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं। Rub, 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 rub. Careful, careful, you're gonna fall, Ishi. You like it? Wow! Yeah! Jai,
गो टू द ब्रश हो गया इसी तरह से मेरी छोनू लुक फ्लैच हो गए है अब लगाएंगे रात को छोने से पहले मॉइस्चराइजर राइट तो दे यूज दिस वन द अवीनो बेबी मॉइस्चराइजर दिस इज सो गुड राइट इशी चलो लो जल्दी जल्दी दोनों लगा लो ला 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 पहले जल्दी से मॉइस्चराइजर कैसे लगाते दिखा दो तो जल्दी जल्दी मॉइस्चराइज योरसेल्फ मिक्स इन योर फेस त्रिशु वेरी गुड त्रिशु आए गुड नाइट यस ऐसे चलो गुड नाइट एवरीवन फ्रेंड्स स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ और सभी बारों को प्रणाम कीजिए अच्छे से प्रणाम कर दो When you have. So okay friends, thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. And Trishu ko yahan pyaar mohabbat chal raha hai mama ke saath. Stay happy, stay safe for now. Take care of yourself. Bye bye. And if you like this, say bye. Thank you. Bye bye. And bolo subscribe to our channel.